सारा अली खान 5 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और कुल 7 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नवाब खानदान में जन्मी सारा पेरेंट्स को देखकर एक्टिंग फील्ड में आईं। शुरुआती साल में कभी उन्हें मोटापे की वजह से ट्रोल होना पड़ा तो कभी एक्टिंग की वजह से। हालांकि परिवार और खुद के भरोसे के दम पर वो आगे बढ़ती गईं। वहीं वो हमेशा से करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन थी और चाहती थी कि करीना उनके परिवार का हिस्सा हो। गाना सुनने की वजह से मिला स्कूल में एडमिशन। सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में पटौदी खानदान में हुआ था। पापा सैफ अली खान और माँ अमृता सिंह दोनों फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे थे। माँ पापा को देखकर सारा भी हमेशा से फिल्मी थी। जब वो 4 साल की हुई तो माँ ने एडमिशन के लिए एक स्कूल के हेडमास्टर को कॉल किया। माँ ने हेडमास्टर से सारा की बहुत तारीफ की और बताया कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। इस पर हेडमास्टर ने कहा कि वो सारा से बात करना चाहते हैं। माँ ने सारा को समझाया कि वो हेडमास्टर के सामने बहुत सलीके से पेश आएं और बात की शुरुआत सलाम या नमस्ते बोलकर करें। जब सारा ने हेडमास्टर से बात की तो उन्होंने ना नमस्ते किया ना सलाम, सीधे वो दमादम मस्त कलंदर गाना गाने लगी। ये देख उनके पेरेंट्स परेशान हो गए। उन्हें लगा कि सारा की इस हरकत से उन्हें कोई एडमिशन नहीं देगा। हालांकि हेडमास्टर को उनका ये कॉन्फिडेंस काफ़ी पसंद आया, जिसके बाद उन्हें एडमिशन मिल गया। सारा जब 9 साल की थी जब उनकी पेरेंट्स का तलाक हो गया। माँ अमृता को बच्चों की लीगल कस्टडी मिल गई। तलाक के कुछ समय तक सैफ को बच्चों से मिलने की परमिशन भी नहीं थी। हालांकि कुछ समय बाद सैफ को बच्चों से मिलने की परमिशन मिल गई। करीना संग सैफ की शादी से खुश थी सारा। सैफ अली खान और अमृता सिंह का रिश्ता सिर्फ 13 साल चला था। इसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। वही जब सारा 17 साल की थी तब सैफ अली खान ने करीना कपूर से दूसरी शादी की। जब सारा को पिता की दूसरी शादी की बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई। दरअसल सारा ने जब से फिल्म कभी खुशी कभी गम देखी तभी से वो करीना कपूर के पू वाले किरदार से बहुत इम्प्रेस थी। वो चाहती थी कि करीना किसी भी तरह से बस उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाए। शादी वाली खबर से उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके पापा की ज़िंदगी में कोई दूसरा आ जाएगा। वही खबर सुनते ही वो अपनी माँ के पास गई और पूछने लगी कि वो शादी में क्या पहनेंगी। इस पर अमृता ने डिज़ाइनर को कॉल किया और उनके लिए सबसे सुंदर ड्रेस डिज़ाइन करने को कहा। सैफ और करीना की शादी में उन्होंने अनारकली सूट पहना था। सारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सैफ की दूसरी शादी में उनका जाना बिल्कुल आसान नहीं होता अगर माँ अमृता उनकी मदद ना करती। करीना के पू रोल से इंस्पायर होकर मनीष मल्होत्रा से बनवाई पैंट। किस्सा यह भी है कि फिल्म कभी खुशी कभी गम में करीना ने रेड लेदर पैंट पहना था। इस लुक में करीना को देखने के बाद सारा माँ से जिद करने लगी थी कि वो उन्हें फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा से मिलवा दें। वो मनीष से मिलकर सेम वैसी ही पैंट अपने लिए बनवाना चाहती थी। बाद में सारा की ये विश मनीष ने पूरी कर दी थी। सारा ने बताया था कि करीना और वो फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं। ना करीना उनकी माँ बनने की कोशिश करती हैं और ना ही उन्हें दूसरी माँ की तलाश है। करीना उनके परिवार का हिस्सा हैं, ये बात ही उन्हें बहुत खुशी देती है। पापा सैफ की सलाह पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। पेरेंट्स को देखकर सारा भी एक्टर बनना चाहती थी। इस पर परिवार वालों की भी सहमति थी, लेकिन सैफ ने सारा से कहा था कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, इसके बाद ही इस फील्ड में आए। पिता के इस फैसले पर सारा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। एबीपी के साथ पहले इंटरव्यू में सारा ने बताया था, इस यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन जब मैं थिएटर करती थी तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। इसे करने के बाद लगता था कि शायद बस यही है जो मुझे करना है। फिल्मों में आने से पहले था 90 किलो वज़न।
PCOD की भी शिकायत। फिल्मों में आने से पहले सारा का वजन 90 किलो था। इस वजह से स्कूल और कॉलेज में लोग उनका बहुत मजाक बनाते थे। ये बातें उन्हें परेशान करती थीं, लेकिन PCOD की वजह से वजन कम करना आसान नहीं था। जब उन्होंने फिल्मी डेब्यू के बारे में सोचा तो उनके सामने वजन कम करना सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके लिए उन्होंने लगभग 1.5 साल तक बहुत एक्सरसाइज किया, फास्ट फूड खाना छोड़ दिया और सिर्फ डाइट चार्ट पर निर्भर रहीं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर पुरानी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे वो लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। 23 साल की उम्र में डेब्यू, सुशांत के संग जुड़ा था नाम। 2018 की फिल्म केदारनाथ से सारा ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस वक्त वो 23 साल की थी। इस फिल्म में वो देवगन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट नजर आई। शूटिंग के दौरान ये अफवाह जोरों पर थी कि सारा और सुशांत एक दूसरे डेट कर रहे हैं, हालांकि इस पर दोनों ने कभी रिएक्ट नहीं किया था। सुशांत के निधन के बाद सारा पोस्ट के जरिए सुशांत को याद करती रहती हैं। बुरा रहा 2020, ब्रेकअप के दौर से भी गुजरी। पहली फिल्म के साथ ही सारा ने दूसरी फिल्म सिम्बा में भी काम किया था। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इसके बाद उनकी फिल्म लव आजकल और कुली नंबर 1 फ्लॉप रहीं। ये बात 2020 की है, जिसे सारा ने एक इंटरव्यू में बेहद खराब साल बताया था। इसी बीच में कार्तिक आर्यन संग उनकी डेटिंग की खबरें चर्चा में थीं। दोनों के रिलेशनशिप और ब्रेकअप की पुष्टि करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण से की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म रिलीज के पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था। वहीं सारा ने द रणवीर शो में कहा था, 2020 मेरे लिए बहुत खराब रहा, साल की शुरुआत ब्रेकअप से हुई और धीरे धीरे चीज़ें खराब होती चली गई। ये साल वाकई बहुत बुरा था। इस शो में उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में एक्टिंग को लेकर भी उन्हें काफ़ी ट्रोल किया है। हालांकि ट्रोलिंग ने उतना इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी वो बुरी सिचुएशन में थी। कॉफ़ी विद करण शो में सारा अपने पापा सैफ के साथ आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि वो कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहती हैं। इसके बाद ही फिल्म लव आजकल की शूटिंग के दौरान उनकी रिलेशनशिप की खबरें सामने आईं। नवाबी खानदान में जन्मी, फिर भी सादगी से रहती हैं। सारा नवाबी खानदान से आती हैं, इसके बावजूद वो अपनी माँ के साथ बहुत सादगी से रहती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें बहुत अजीब लगता है जब ये लोग ये सोचते हैं कि मैं शाही ढंग से रहती हूँ। द हिंदू को दिए इंटरव्यू में सारा ने कहा था, मैं खुद को राजशाही से जोड़कर नहीं रखती हूँ, मैं अपनी माँ के साथ मुंबई के जुहू में रहती हूँ और पापा से मिलने बांद्रा स्थित घर जाती हूँ। छुट्टियाँ मैं हिमाचल प्रदेश, केदारनाथ, जम्मू और कश्मीर में मनाती हूँ। रॉयल्टी किसे कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। 1600 का तौलिया खरीदने पर माँ से नाराज हो गई थी। सादगी से जुड़ा किस्सा उन्होंने द कपिल शर्मा शो में शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि माँ उनके लिए 1600 का तौलिया खरीद लाई थी। इस पर वो बहुत गुस्सा हो गई थी और माँ से इतनी महंगी चीज़ नहीं लेने की गुजारिश की थी। उनका कहना था कि वैनिटी वैन में 2-3 टॉवल पड़े ही रहते हैं, तो 1600 रुपये के तौले की क्या ज़रूरत। 41 करोड़ है सारा की नेटवर्थ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा की कुल नेटवर्थ 41 करोड़ रुपए है। उनका नाम फोर्ब्स के टॉप 100 इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी शामिल है। इससे भी वो 5.5 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं। वहीं वो एक फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। एक एडवर्टाइजमेंट के लिए वो 1 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं। सारा इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भी कमाई करती हैं। वो एक ब्रांड पोस्ट से करीब 35 लाख रुपए तक कमाती हैं। उनके पास मर्सिडीज बेंज जी क्लास 350D है, जिसकी कीमत 1.3 करोड़ रुपए है। उनके पास एक जीप कंपास और एक होंडा CRV भी है, दोनों की कीमत 28 लाख रुपए है।